हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, अब तक आप लोग वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही चुके होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर किस चीज़ का वहम हो गया मुझको। तो चलें जी, वीडियो को करते हैं शुरू और बताते हैं कि किस चीज़ का हुआ वहम। वीडियो शुरू हो रही है सुबह के टाइम से। यहाँ पे ना सुबह इससे पहले फजर के टाइम जब मैं रूम में लेटी हुई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मीरब का ना पैंपर थोड़ा सा लीक हो गया था। लेकिन मुझे उस पैंपर के लीक होने से वहम हो गया कि भाई मेरे तो बेड पे ना यूरिन लग गया है। हत्या के बिल्कुल भी नहीं लगा था, लेकिन बस मुझे एक वहम था कि शायद कहीं मुझे खतरा भी लग गया हो। तो बस उसी वहम के चक्कर में सुबह उठते मैंने बेडशीट उठाई, मैट्रेस कवर उतारा और जो मैट्रेस था ना, मैट्रेस कवर, मैट्रेस, सारी चीज़ें उठा के रखी धूप में। उसके बाद यहाँ पे मीरब के जो फीडर सारी चीज़ें थी ना, इनको मैंने किया स्टेरलाइज धूप में। जितनी देर मैट्रेस पड़ा था, मैंने अपने काम शाम कर लिए कंप्लीट। उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह करके दोबारा से आ गई थी किचन रूम में। अच्छा, अब काफ़ी दिनों से ना मेरा प्लान था कि मैं रूम को डीप क्लीन करूँगी, लेकिन थोड़े दिन पहले फिर मैंने लास्ट नाइट ही सोचा कि चलें भाई छोड़ते हैं, क्या करना है डीप क्लीन करके, इतना कौन सा कोई रूम गंदा है, तो थोड़े दिन और निकाल लेते हैं, मौसम थोड़ा चेंज हो जाए फिर डीप क्लीन करेंगे। लेकिन सुबह जब मीरब का हुआ पैंपर लीक, तो मैंने कहा भाई अल्लाह ने मुझे कहा है तुम कर ही लो क्लीन, तो बस यहाँ पे मैंने आके रूम की क्लीनिंग श्लीनिंग कर दी शुरू। ऑल द रूम सारा क्लीन था, बस ये थोड़ा सा जो है ना पंखा गंदा हुआ था और एक दो मेरे जो ड्रॉर्स है ना ये थोड़े से मैसी हुए थे। लेकिन फिर मैंने कहा चले जब करना ही है तो सारा ही कर लेते हैं। तो फिर मैंने सारे ड्रॉर्स वगैरह क्लीन किए। क्लीन करने के बाद मैट्रेस मेरा अच्छे से धूप लग गया था, उसके बाद मैट्रेस कवर वगैरह चढ़ाया, फैन साफ करवाया अपनी हेल्पर से। उसके बाद जो है ना मैंने अपनी कबर्ड जो थी रूम में दूसरी वाली, उसको अच्छी तरह से क्लीन किया। उसको मैं हमेशा ना सर्फ वाले स्कॉच ब्राइट के साथ क्लीन करके बाद में कपड़े से साफ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बड़ा मजेदार सा क्लीनर बना रही हूँ जो कि बहुत जबरदस्त है। आपने क्या करना है, एक गिलास पानी लेने लेना है, उसके अंदर 8 से 10 चम्मच सिरका डाल देना है। सिरका जो है ना, हमारी बॉटल खराब हो गई थी इसलिए हमने इस बॉटल में डाला हुआ है। उसके बाद 1 चम्मच भर के आपने डाल देना है नमक का। अब इस क्लीनर से हमने करना क्या, इससे हमने करनी है अपनी रूम की पाइलिंग साफ। पाइलिंग इससे इतनी मजेदार किस्म की साफ होती है, इतनी जबरदस्त। आप लोगों के घर में अगर पाइलिंग लगी हुई ना, तो आपने लाजमी ट्राई करना है इस क्लीनर को बना के, इससे बहुत अच्छी सफाई होती है। तो चलें जी, क्लीनर मेरा बन गया। मैंने कपड़े को किया इसमें भिगो के, उसके बाद अच्छी तरह से ना निचोड़ लिया था। उसके बाद बस मैंने सारी पाइलिंग वगैरह साफ की। और ना काफ़ी टाइम हो गया हुआ था, मेरा ना फर्नीचर साफ करने वाला स्प्रे ख़त्म हुआ हुआ था और मुझे इतना गंदा लग रहा था मेरा फर्नीचर। और फिर मैंने आज फाइनली मेरा स्प्रे भी आ गया था, मैंने भर भर के फिर स्प्रे लगा के फर्नीचर को साफ किया, बेडशीट वगैरह चेंज की, सारा रूम साफ किया, हेल्पर के साथ लग के साफ करवाया। अच्छा, हेल्पर सफाई तो कर देती हैं, लेकिन मेरी मम्मा हमेशा कहती होती थी हेल्पर से सफाई करवानी आनी चाहिए। अगर आप कह दो ना कि हेल्पर आइए, चलो भाई तुम जाके सफाई कर लो, खुद आप बैठे हुए हो, तो ऐसे हेल्पर कभी भी सफाई नहीं करती। हेल्पर के पीछे पीछे फिर के उसके सर पे फिर के सफाई करवानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे आज मैंने हेल्पर के साथ लग के सारा अपना रूम वगैरह क्लीन कराया। फैन जो था वो मैंने अपनी मदर इन लॉ वगैरह के रूम का भी साफ करवा दिया था, लेकिन पाइलिंग सिर्फ मैंने आज अपने ही रूम की साफ की है। पहले मैं हमेशा जब भी करती होती थी ना, तो सारे घर की करती थी, लेकिन अब जो है ना मीरब की वजह से मैं इतना काम नहीं करती कि कहीं थक ना जाऊं। उसके बाद यहाँ पे ना मीरब के और मेरे काफी सारे कपड़े हुए हुए थे, बस मैंने कपड़े शपड़े वॉश किए, सफाई हो गई थी और बस इसके बाद में हो गई थी फ्री, फिर अल्लाह तौबा वगैरह की। और बस इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। और यार मेरा फर्नीचर चेक करो, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शादी के पहले दिन लग रहा था। तो बस चलें, ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।